हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है रोशनी और स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। बस दो दिन की धूप के बाद आज फिर से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पहाड़ों पे बहुत ही भयंकर वाली बर्फबारी हो रही है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, ये देखो, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सामने जितनी भी चोटियाँ हैं सब जगह बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है और अभी फिर से कोहरा शुरू हो गया। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हो गई थी। तो अभी बर्फबारी के बाद ठंडी ठंडी सुबह में गरम गरम चाय का आनंद लेते हुए, और सामने की चोटियों पे बहुत ही ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। ये देखिए बहुत नीचे तक आ गई है इस बार बर्फ। अभी शाम हो चुकी है और आज दिन भर पूरी बारिश ही रही, और अभी भी मौसम देखो पूरा पैक हो रखा है, अभी भी बूंदाबांदी हो ही रही है। तो आज का दिन पूरा बारिश में ही निकल गया और भयंकर ही वाली ठंड हो रही है अब, क्योंकि चारों तरफ जो भी चोटियां हैं सब जगह बर्फ गिर गई है बहुत ज़्यादा। तो ठंडी हवाएं चल रही हैं अब, और आज का मौसम तो ऐसे ही रहा। अब पता नहीं कल देखते हैं क्या होता है, मौसम क्लियर होता है कि नहीं। सामने वाले पहाड़ों पे देखिए अभी भी बारिश हो रही है और बर्फ गिर रही है। ये देखिए केदारनाथ वाली साइड की पहाड़ी, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है और फाइनली दो दिन की बारिश के बाद, बर्फबारी के बाद, अभी बहुत ही अच्छी धूप आ रखी है और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अभी मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ चारों तरफ के, तो आप बोलोगे कि वाह क्या सीन है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, सामने के नज़ारे कितनी सुंदर लग रही है, सभी पहाड़ियाँ बर्फबारी के बाद, और कल वाली बारिश के बाद तो बहुत ही ज़्यादा बर्फ गिर रही है सब पहाड़ियों पे। अभी हमारे घर पे तो धूप नहीं आई है, अभी आधा घंटा लगेगा यहाँ पे धूप आने में, तो तब तक हम ब्रेकफास्ट वगैरह बना देते हैं। तो अभी हो चुका है ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम, और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ आलू की खिचौड़ी बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में और रोटी। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं पहाड़ी आलू की खिचौड़ी। तो आलू की खिचौड़ी बनाने के लिए हमने पहले सिलबट्टे को साफ कर दिया था, और उसके बाद आलू को धो के इस तरीके से इस पत्थर से इसमें कूट कर बिल्कुल बारीक कर दिया है, ये देखिए। तो अब हम बिल्कुल इसको सब्जी की तरह बनाएंगे चूल्हे में, और चूल्हे में बर्तन रख दिया है, तेल भी गर्म हो चुका है। तो अब खिचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो आलू की खिचौड़ी लगभग बन चुकी है, ये देखिए। तो आजकल हम करेले और बैंगन खा खा के बोर हो चुके थे, इसलिए आज हमने कुछ नया ट्राई किया है। और ये वाली जो आलू की खिचौड़ी होती है भी बहुत टेस्टी होती है खाने में, अच्छा लगता है आलू का साग। तो सब्जी तो बन चुकी है और अब बारी है रोटी बनाने की। तो तवा मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और अब रोटियां बनाते हैं। तो अभी हमारे घर पे भी धूप आ चुकी है, अभी अभी 9:30 बज चुके हैं, और धूप में अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन बारिश के बाद की धूप का मौसम जो होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है।
और यहाँ पे टोनी भी गुनगुनी धूप का आनंद ले रहा है। ओए टोनी। और चारों तरफ की पहाड़ियों पे बर्फ बिल्कुल अभी ऐसे चमक रही है धूप लगने के बाद, बहुत ही अच्छी लग रही है। और आजकल लज्जू और बबली की जगह भी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है नीचे, क्योंकि आजकल ऊपर तो धूप आ नहीं रही है, तो इसलिए खेत में निकाला हुआ इनको। और आज पूरे 2 दिन बाद बेचारे धूप पे निकले हैं बाहर, 2 दिन से अंदर ही बंद थे बारिश की वजह से। और यहाँ पे हमारी प्याज की क्यारी है जो अभी साथ में बोई हुई है पूरी, तो जब ये थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएंगे पौधे तो उसके बाद इनकी रोपाई करेंगे हम अलग अलग, इस पूरे खेत में और इस वाले खेत में। और बाकी इधर साइड पूरी राई बोई हुई है, ये देखो पूरी ऊपर तक, और बाकी राई पॉली हाउस में भी है तो इतनी खाई नहीं जा रही है, बस ऐसे ही है ये। और ये है हमारा नींबू का पेड़, छोटे वाले जो नींबू होते हैं, और इस साल इस पे काफी सारे नींबू आए हैं ये देखो। और ये लगभग 6-7 महीने तक चल जाते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा पीले हो गए और कुछ बहुत छोटे हैं अभी, तो काफी चल जाते हैं। और इधर नीचे साइड तो कुछ ज्यादा ही लगे हुए, पूरा पेड़ नीचे की तरफ झुका हुआ है और ऊपर तक। आज के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।